हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कट्टा ज्ञान। आज हम देखेंगे कि हिमालयन मोटरसाइकिल का फ्रंट टायर्स कैसे चेंज करते हैं। एक्चुअली ये अभी जो टायर लगे हुए हैं वो रैली टायर्स हैं। अब हम इसको रेगुलर टायर लगाएंगे। ये रैली टायर्स लगा के सिटी ड्राइव में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये अब हम उसको चेंज कर रहे हैं। उसको रेगुलर C8 का टायर लगाने वाले हैं अभी इसमें। तो अभी इसको टायर खोलना पड़ेगा इसके लिए। नट खुल नहीं रहा था, उसको अभी स्प्रे किया। अब देखिए नट खुल गया है। यहाँ पे नीचे एक स्क्रू रहता है, उसमें उससे वो आपका ऊपर का एक्सल नट ढीला हो जाता है। अब ये एक्सल निकालना है। ये आराम से निकल जाएगा। इसमें ये आपका जो डिस्क ब्रेक कैलिपर है, उसमें से निकल गया। अभी हम लोग नया टायर लगा रहे हैं उसका। इसका ग्रूव्स देखिए, ये रेगुलर टायर के ग्रूव्स हैं और उसमें स्टड्स हैं। ये स्टड जो है आप ऑफ ट्रैक यूज़ करने के लिए अब ठीक है। ये सिटी राइड के लिए ये टायर ज़्यादा अच्छा है। पुराना देखिए मोटोक्रॉस का रैवेन्यू का टायर है, इसमें कैसे स्टड है। ये आपका 1920-21 का ही टायर है। ये आपका C8 का टायर है। स्टड अब नहीं है, ये प्लेन रेगुलर रोड के लिए यूज़ के लिए बहुत बढ़िया टायर। देखिए आप दोनों कंपेयर कर सकते हैं। अब ये टायर हमने निकाल के रख लिया है, कभी ऑफ रोड जाएंगे तो हम लोग ये टायर यूज़ करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।